संजय गांधी अस्पताल में भर्ती घायल शख्स की हुई मौत, परिजनों ने लगाया घटना छुपाने और गुमराह करने का आरोप। आपको बता दें, परिजनों को मिली थी एक्सीडेंट की सूचना, सिर में राइफल का बट लगने की बात आ रही सामने। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में भर्ती घायल शख्स की उपचार के दौरान मौत हो गई है। शख्स की मौत पर परिजनों ने उसे भर्ती कराने वाले पर घटना को छिपाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने घटना पर संदेह जाहिर करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पहले उन्हें एक्सीडेंट की सूचना दी गई और बाद में मृतक के सिर पर राइफल का बट लगने की बात सामने आई। हालांकि परिजन इस बात से अनजान है कि शख्स किन परिस्थितियों में घायल हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई पिंकू सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिवस उसके बड़े भाई बड़कू सिंह भोला पांडे के साथ तिलक उत्सव कार्यक्रम में गए थे, जिसके बाद उन्हें एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने बताया कि बैकुंठपुर के पास बोलेरो गाड़ी पलट गई, जिसमें बड़कू समेत चार लोग शामिल थे। लेकिन जब परिजन बैकुंठपुर पहुंचे तो वहां ना तो गाड़ी मिली और ना ही घायल, जबकि परिजनों ने बैकुंठपुर सिरमौर और चचाई में घायल सहित गाड़ी की तलाश की। कहीं न मिलने पर वह सीधा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें सिर्फ बड़कू भर्ती मिला। बताया गया कि जिस गाड़ी में बड़कू था, उस गाड़ी में राइफल रखी थी, जिसका बट बड़कू के सिर में लगा था। फिलहाल मामला पूरा संदिग्ध है, पुलिस जाँच कर रही है। मृतक कौन थे आपके, क्या नाम है? उनका नाम है बड़कू सिंह तोमर, मेरे बड़े भाई हैं। 20 साल से, मतलब 10 साल के थे तभी भोला पांडे जी के यहाँ रहते थे। इसके बाद वहाँ से आ गए अपना सतना, इनके दामाद के यहाँ। तो वहाँ से बोले कि दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली चले गए। फिर उनकी लड़की की शादी में आए, आने के बाद तिलक चढ़ाने कहाँ गए ये तो हमको हकीकत नहीं बताए हैं। मुझे 5 बजे भोर नर्सों फोन लगाया गया कि बैकुंठपुर में गाड़ी आप पलट गई ही और मामा बहुत चौटान है, सीरियस है। तो हम कहें ठीक है, हम बैकुंठपुर पहुँचे तो वहाँ कोई आदमी नहीं, ना कोई FIR। फिर इसके बाद फ़ोन लगाए तो बोले कि वहाँ आ जाओ सिरमौर। सिरमौर पहुँचे, वहाँ भी नहीं कोई गाड़ी। फिर बोले चचाई में पलटी है, मैं चचाई भी पहुँचा, वहाँ भी गाड़ी नहीं मिली। चौकी में मैं यहाँ से थाना से संपर्क किया, बोले कोई गाड़ी, कोई FIR नहीं है। फिर मैं संजय गांधी आया तो भाई के सर में बाल, मतलब पहले लगे हुए थे तो सामने की चोट दिख रही थी, तो बोले कि बस थोड़ा ही लगा है, थोड़ा ही लगा है। अब बोलेरो पलट गई है, बोलेरो में गन रखी थी तो वही उनके सर में लग गई है। तो मैं बोला कि गाड़ी का नंबर बता दीजिए। तो आज मुझे 3 दिन से गुमराह किया जा रहा है। अब मैं बोला कि प्राइवेट में मेरे भाई को भर्ती कर दीजिए, हो सकता है बच जाए, आप भी बच जाओ, हम भी बच जाए। लेकिन ये लोग दवा नहीं करा पाए। कल 1 बजे रात से मैं फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, सबको फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठाया है। बोले सुबह 6 बजे आ जाएंगे, कोई बोल रहा है 10 बजे आ जाएंगे, अभी बिटिया नहीं विदा हुई। तो मैं ये सोचा कि बहन बेटी की बात है तो मैं इनको भी डिस्टर्ब ना करूँ, अपना विदा उदा कर ले। अभी तक कोई नहीं आया है और फोन लगाता हूँ फिर भी कोई फोन नहीं रिसीव कर रहा है। इनके साथ तिलक में गए थे, क्या नाम है? भोला पांडे मजगमा, उनकी लड़की का तिलक था। तो गाड़ी पलटी तो और लोग घायल हुए? हमसे 4 आदमी के बताया गया है सर, मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ मेरा भाई मिला है। तो अभी आपका क्या आरोप है? मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे 3 दिन गुमराह किए, मुझे वो गाड़ी और राइफल और ड्राइवर तीनों चाहिए, तब तो मैं इनको छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं इन सब के नाम FIR करूँगा। अभी PM हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ, जमा है भाई मेरा, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई है भी नहीं, सब भाग गए हैं छोड़ छोड़। एडमिट कौन करा? एडमिट करवाए थे भोलू और भोला पांडे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकू सिंह तोमर है। मैं उनका सगा भाई हूँ छोटा। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज। गॉलब्लैडर पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखे समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।